नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग ईरंग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रोफेसर को प्रदान किया गवर्नर साइटेशन। आईटीबीपी के एनई फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के आईजी, बीआरओ के प्रोजेक्ट अरुणांग के चीफ इंजीनियर और पीटीसी बंदरदेवा के प्रिंसिपल को दिया सिल्वर साल्वर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने चांगलांग जिले के म्याओ में स्थित नामदफा टाइगर रिजर्व में 8 वर्ष के अंतराल के बाद टाइगर के दिखाई देने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है प्रतिबद्ध। ईटानगर के दोजी खांडू स्टेडियम राजभवन में बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुआ। प्रसार भारती, दूरदर्शन, ईटानगर बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रेस क्लब और दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के बैडमिंटन खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। राजभवन ईटानगर में आज आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत खुशवाहा और आरजीयू के प्रोफेसर को गवर्नर साइटेशन प्रदान किया गया। इस अवसर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन और प्रोफेशनल्स कंपटीशन के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर के आईजी श्याम मेहरोत्रा, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रोजेक्ट अरुणाक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर अनिरुद्ध सिंह कोनवर और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी बंदरदेवा की प्रिंसिपल नेहा यादव को सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तुर्कीय भूकंप जैसी स्थितियों में फिजियोथेरेपिस्ट के साथ वीडियो परामर्श काफ़ी मददगार हो सकता है। वे आज अहमदाबाद में भारतीय फिजियोथेरेपिस्ट महासंघ के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट से कहा कि उन्हें वीडियो परामर्श और टेली मेडिसिन की दिशा में नई तरीके विकसित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ शारीरिक चोट का इलाज करते हैं बल्कि रोगी को मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में भी सहायता प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क से जोड़ दिया है। इस नेटवर्क के जरिए वे आसानी से रोगियों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने फिजियोथेरेपिस्ट से लोगों को अच्छी आदतें, अच्छा व्यायाम और अच्छे आसन सिखाने का आग्रह किया। या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। प्रोत्साहन और थोड़े से एनकरेजमेंट और सपोर्ट से लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर भी विजय पा लेते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस अमृत महोत्सव में देश के सभी फिजियोथेरेपिस्ट को वो उपहार दिया जिसका वो 75 साल से इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार था फिजियोथेरेपी को एक प्रोफेशन के तौर पर मान्यता देना। आप सभी का ये इंतजार
हमारी सरकार ने खत्म किया। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल लाकर हमें आप सभी का मान सम्मान और बढ़ाने का अवसर मिला। इससे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में आप सभी के अहम योगदान को भी रिकॉग्नाइजेशन मिला। इससे आप सभी को भारत के साथ ही विदेश में भी काम करने में आसानी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को और अधिक बल मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रौद्योगिकी आयोग की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता, तत्परता और कार्यदक्षता के तीन मंत्रों से आयोग पुलिस को हेड कांस्टेबल से लेकर महानिदेशक तक को तकनीक में प्रवीण करेगा और सुरक्षा बलों को आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। हैदराबाद में आज सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा IPS के 74वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए श्री शाह ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत और प्रासंगिक बनाने के लिए हमेशा जवाबदेह और लोगों के लिए उपलब्ध और तैयार रहने के लिए कहा। गृहमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध, डाटा दुरुपयोग और गलत सूचना जैसे उभरते अपराधियों के कारण सुरक्षा परिदृश्य में भी बदलाव हो रहा है। उन्होंने IPS अधिकारियों को देश के आर्थिक केंद्रों और गरीबों को सुरक्षा मुहैया कराने तथा अपराधों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। दीक्षांत परेड में 37 महिला अधिकारी और 29 विदेशी पुलिस अधिकारी सहित 187 IPS प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। वो सभी भली भांति पूर्ण किए हैं। आज कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण एक का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 IPS प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशियस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी के दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर DGP तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोसेवी भी बनाएगा। हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के कारण जो नई चुनौतियां उभर कर आ रही है, टेक्नोलॉजी मिशन इसका पहले से सुसज्ज एक पुलिस फोर्स बनाकर इसकी चुनौतियों को निपटने के लिए तैयार होगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 15 सितंबर 1916 को मथुरा के नागला चंद्रवन गांव के ब्रज इलाके में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चोना मेन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति और गरीबों की सेवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को देश सदा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल से प्रेरणा लेकर ही वे आज निरंतर सक्रिय हैं ताकि विकास का लाभ समाज के वंचित वर्ग को भी मिल सके। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ईस्ट कामेंग जिले में स्कूली बच्चों,
उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए स्पर्श शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले वर्ष मार्च महीने में शुरू किए गए एक नई दिशा अभियान के तहत पोक्सो एक्ट और गुड एवं बैड टच के बारे में छात्रों और शिक्षकों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक अपने ट्वीट में ईस्ट कामेंग जिला पुलिस के स्पर्श शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि बच्चों के सशक्तिकरण और उनका जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को शामिल करने के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने चांगलांग जिले के म्याओं में स्थित नामदफा टाइगर रिजर्व में 8 वर्ष के अंतराल के बाद टाइगर के दिखाई देने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेडियम राजभवन में बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुआ। प्रसार भारती दूरदर्शन ईटानगर बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित इस बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने किया। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के हेड ऑफ ऑफिस शक्ति प्रताप कंचन, हेड ऑफ प्रोग्राम ए महेश, अरुणाचल प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। अरुणाचल प्रेस क्लब और दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के बैडमिंटन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आई थिंक स्पोर्ट्स अरीना इज वन प्लेस व्हिच इज वेरी क्लोज टू पुलिसिंग आल्सो इन अ वे एंड इवन इन टर्म्स ऑफ हाउ टू लिव द लाइफ वी हैव रूल्स एंड वी फाइट गिव आवर 110% विद इन दोज रूल्स एंड ट्राई टू विन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम। सिमिलरली इज लाइफ where we try to live by the laws which are right, and I think that is why sports is very close to we always talk about discipline, sportsmanship. Yes, how it is inculcated is by these practices. I really appreciate that Prasar Bharati Doordarshan is doing this, and you have mentioned that this is the second time. So first time jo hai wo josh mein hota hai ki karna hai bolke kar lete hain. जब आप सेकेंड टाइम करते हैं तो इट बिकम्स ए कमिटमेंट दैट वी विल हैव टू कीप डूइंग इट मोर एंड मोर। सो आई बिलीव दैट दिस इज द सेकेंड टाइम, देयर विल बी अ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम, एंड यू विल कीप ग्रोइंग एंड दिस टूर्नामेंट विल बिकम ए यू कैन से कनेक्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द पीपल दैट आर इन्वॉल्व इन दिस। सो फाइनली आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ऑल द प्लेयर्स हु आर हियर, आई कैन सी वेरी फिट एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स मीट में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के कारिक ईरिंग ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता। आदि बाने कबांग और तिरकी मनमोंग मतपांग सोसाइटी यूथ विंग ने आज रुक्सिन गेस्ट हाउस में कारिक ईरिंग के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया। सोसाइटी में नम असद नाम आनाम लगा पायरुमो नम Y20 युवा टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है। गुवाहाटी में आयोजित Y20 सम्मेलन में पूर्वोत्तर से युवा स्टार्टअप का एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है। IIT गुवाहाटी इलेक्ट्रॉनिक कार वाले इस स्टार्टअप की उड़ान को बढ़ावा दे रहा है। IIT गुवाहाटी उत्सर्जन और ईंधन की खपत में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है। पहले हम लोग नॉर्थ में हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल रखता है। बट देखने में आ रहा है कि हम लोगों का जो टूरिस्ट एरिया है वो पॉल्यूशन से और ज्यादा घेरा, मतलब पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा व्हाई नॉट कि हम लोग एक कार बनाएं जो कि पॉल्यूशन फ्री हो और जो कि कोई भी नॉइस ना करता हो और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक अलग सा एक्सपीरियंस दे। हम लोगों को अभी इंक्यूबेशन मिला है IIT गुवाहाटी PIC में,
और यहाँ से हम लोगों का जर्नी अभी स्टार्ट होने वाला है। ये पूरा स्क्रैप से बना हुआ है एंड दिस वाज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के टाइम पे था। तो वी स्पेंड हम लोग अराउंड 4 to 4.5-5 lakhs वी स्पेंड, इतना खर्चा हुआ है। आईटी गुवाहाटी इन लोगों को बहुत तरीके से मदद कर सकती है। पहला तो ये व्हीकल का अगर अर्गोनॉमिकली और अट्रैक्टिव और स्पेशियस और फ्यूल एफिशिएंट बनाना है, उसके लिए हमारे यहाँ पर एक डिजाइन डिपार्टमेंट है, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर से इनके साथ कोलैबोरेट करके मदद कर सकते हैं। ई मोबिलिटी की एक लैब भी है, वहाँ पर पूरी गाड़ी की मॉडलिंग, एफिशिएंसी की मॉडलिंग और क्या क्या उसमें ऐड करने से गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उसके ऊपर पूरी स्टडी हो सकती है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हर साल वर्ल्ड डे ऑफ सिक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 11 फरवरी 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने की थी। इस अवसर पर एवेन्यू फॉर जॉय फाउंडेशन द्वारा आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में रक्तदान शिविर लगाया गया है। शिविर में NCC कैडेट्स और स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्य भी मौजूद थे। डे ऑफ सिख ना, तो उसका ओकेजन में हम लोग आज ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये आज का दिन बीमारी लोग के लिए खास करके है। तो हम लोग हैज ए ह्यूमन बींग, हम लोग आदमी को हम लोग कुछ नहीं फाइनेंशियली नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग एटलीस्ट जो हम लोग अंदर में जो हम लोग बॉडी में जो खून होता है तो उसको हम लोग तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सोच के ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किया कि जितना भी जो हम लोग जो शरीर में जो खून है उसको हम लोग लोगों का भलाई के लिए, जो बीमारी है, जो खून जरूरी है, वो लोग को देने के लिए हम लोग इस बार हम लोग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग यहाँ में NCC और ये जो स्काउट एंड गाइड और हम लोग का NGO मेंबर हम लोग यहाँ में खून देने आया है। 2017 से हम लोग एक्टिविटी हम लोग करना शुरू हुआ है, तो वहाँ में हम लोग जैसे कि ड्रग्स का अवेयरनेस वगैरह हो या फिर आई स्क्रीनिंग कैंप का हो या फिर ब्लड डोनेशन हो या हम लोग ये मशरूम ट्रेनिंग वगैरह, EPD ट्रेनिंग वगैरह और सॉफ्ट सर्विस प्लांटेशन वगैरह, ये सब हम एक्टिविटी हम लोग अभी तक हम लोग करके आ रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।